नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्लेनर, जिसमें हम आपको लेके जाते हैं खबर की तह तक। हाल ही में केरल में NSB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नौसेना के एक जॉइंट ऑपरेशन में 200 किलो हेरोइन पकड़ी गई, जिसकी कीमत करीब 1200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ड्रग्स का इतना बड़ा जखीरा एक ईरानी जहाज में मिला था। ऐसा पहली बार नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग की खेप को जब्त किया गया है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में अवैध ड्रग्स पकड़ी जाती रही है। देश के सभी राज्यों से पूरे साल में जब्त ड्रग्स की कीमत अगर जोड़ें तो ये कई राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा हो सकती है। आइए जानते हैं कि ड्रग्स कहते किसे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अनुसार ड्रग का मतलब है दवा, जैसा कि हम सब भी जानते हैं, वही दवा जो आप और हम बीमार होने पर लेते हैं। WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी दवा या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो इंसान या जानवर की बीमारी का पता लगाने और उसे ठीक करने के लिए दिए जाते हैं, उन्हें ड्रग कहते हैं। ड्रग, दवा और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को आमतौर पर एक ही अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ड्रग का मतलब दवा है तो ये बुरा क्यों है और पुलिस इसे पकड़ती क्यों है। असल में ऐसी कई दवाएं हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। सरकार ने लगभग 444 ऐसे ड्रग बताए हैं जो भारत में बैन है। इनको सीधे या किसी और दवा के साथ लेना गैर कानूनी है। साथ ही कई ऐसे ड्रग हैं जिन्हें एक तय मात्रा में लेना तो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन इनकी मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो वो नुकसान पहुंचा सकती है। आपने देखा होगा कि आपकी दवाइयों पर भी ड्रग्स की एक तय मात्रा लिखी होती है। ये सब नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट NDPS 1985 के तहत तय होता है। भारत में बैन ड्रग्स में चरस, गांजा, कोकेन, हेरोइन, LSD, मॉर्फिन, ओपियम जैसे ड्रग्स शामिल हैं। बहुत से लोग इनसे नशा करते हैं, इसलिए जब किसी के पास ये पाए जाते हैं तो पुलिस इन्हें जब्त कर लेती है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 से 2022 तक करीब 3.5 लाख किलो की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी हैं, जिनकी कीमत 20,000 करोड़ रुपये है। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि देश में 23 लाख लोग नशे के शिकार हैं, इसलिए यहाँ ड्रग्स की खपत भी ज़्यादा है और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। भारत में आने वाले ड्रग्स की खेप के इंटरनेशनल रूट को जानना भी ज़रूरी है। इसे जानने के लिए गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बारे में पहले जानना ज़रूरी है, क्योंकि भारत गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल जैसे बड़े ड्रग नेटवर्क्स के बीच में आता है। इस वजह से ये ड्रग तस्करों के लिए एक ट्रेड रूट और अच्छे बाजार का काम करता है। आइए समझते हैं गोल्डन क्रिसेंट क्या है। ये पश्चिमी एशिया के देशों के बीच का रास्ता है। ये ट्रेड रूट ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। यहाँ अफीम और उससे बने ड्रग्स का गैर कानूनी व्यापार होता है। दुनिया की करीब 75 से 80% अफीम अफगानिस्तान से आती है, क्योंकि यहाँ पर अफीम की भारी मात्रा में खेती की जाती है। समुद्री रास्तों से गुजरात के मुंद्रा और कांडला जैसे पोर्ट्स पर भी ड्रग्स आते हैं। अब जानते हैं गोल्डन ट्रायंगल क्या है। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का इलाका है। इसे गोल्डन ट्रायंगल नाम अमेरिकी एजेंसी CIA ने दिया था। ये यूरोप और अमेरिका के ड्रग सप्लाई के सबसे पुराने रास्तों में से एक है। 1634 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड से आते हैं ड्रग्स। म्यांमार अफीम की खेती करने में अफगानिस्तान के बाद दूसरे नंबर पर आता है। दुनिया भर में 25% अफीम सप्लाई करता है म्यांमार। ऐसे में सवाल उठता है कि जब हर साल करोड़ों रुपए की ड्रग्स जब्त की जाती है तो इनका होता क्या है। तो आपको बताते हैं कि ड्रग्स को जब्त करने वाला अधिकारी तुरंत मामले की जानकारी नजदीकी पुलिस थाने में देता है। फिर उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज या NDPS एक्ट के सेक्शन 53 के तहत नियुक्त किए गए अधिकारी को 48 घंटों के अंदर जब्त किए ड्रग्स को सरकारी मालखानों में जमा करना होता है। इन मालखानों में जो इंचार्ज होता है वो जब्त किए गए सामान को डबल लॉकिंग सिस्टम वाली सुरक्षा में रखते हैं, जिसको मजिस्ट्रेट के आदेश तक वहीं रखना होता है। इसके बाद नियुक्त किया गया अधिकारी मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बाद जब्त किए गए ड्रग्स की जांच करता है।
जिसके तहत उसे एक पंचनामा तैयार करना होता है। साथ ही पकड़े गए ड्रग्स का कुछ सैंपल केमिकल लैब में भी जांच के लिए भेजा जाता है, जिसे ये पता चलता है कि जब्त किया गया पदार्थ नशीला है या नहीं। पंचनामा में जब्त किए गए ड्रग्स की तस्वीरें, उसके पैकिंग का तरीका और केमिकल लैब में भेजे गए सैंपल्स की रिपोर्ट भी शामिल होती है। इसके बाद पंचनामा मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाता है। अगर केमिकल लैब की रिपोर्ट में ये सामने आता है कि जब्त किया गया सामान नशीला है, तो आमतौर पर मजिस्ट्रेट उसे जला देने का आदेश देते हैं। इसके बाद इन ड्रग्स को शहर के बाहर पुलिस एस्कॉर्ट की मदद से ले जाया जाता है और यहाँ पर इंसिनरेटर्स में या गड्ढा खोदकर इन ड्रग्स को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन आपको एक और बात बता दें कि ड्रग्स की खेप को नष्ट करने के लिए एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत एक तय मात्रा का होना जरूरी है। जैसे कि हेरोइन की मिनिमम जो क्वांटिटी है वो 5 किलो होनी चाहिए। चरस, जिसे हशीश भी कहते हैं, उसकी क्वांटिटी मिनिमम 100 kg होनी चाहिए। और वहीं अगर हशीश ऑयल है तो मिनिमम 20 किलो की मात्रा होनी चाहिए। वहीं गांजे की 1000 किलो, कोकेन के लिए 2 किलो, पॉपी स्ट्रो के लिए 10,000 मैट्रिक टन, मैंड्रैक्स के लिए 3 किलो मिनिमम मात्रा की ज़रूरत होगी। साथ ही दूसरे नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ का 20 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की कीमत के अगर पदार्थ होते हैं तो उन्हें नष्ट किया जा सकता है। हालांकि सरकार और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से ड्रग्स की रोकथाम के लिए कई मिशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें भी जागरूक रहने और इसके रोकथाम करने की बेहद ज़रूरत है। नमस्कार।